ये गेट के अंदर का दृश्य है। हम थोड़ा पुरातन काल में जाते हैं और इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि शत्रु ने हमला किया है, तो सभी कपाट बंद कर लिए जाते हैं। डिफरेंट लेवल्स होते हैं, 6-7 द्वार होते हैं एक सुरक्षित दुर्ग में। ये एक पर्वत दुर्ग है जो पर्वत के ऊपर स्थित है, और समरांगण सूत्रधार व अन्य पुस्तकों में, ग्रंथों में लगभग 12 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, जिनमें से पर्वत दुर्ग एक है, जल दुर्ग होता है, ऐसे ही अरण्य दुर्ग होता है जो कि वन में होता है, वन दुर्ग अथवा अरण्य दुर्ग, और ऐसे ही युद्ध के समय वन में दुर्ग बनाया जाता था ताकि जब युद्ध हो रहा हो उस समय रात्रि काल में विश्राम करने के लिए उस दुर्ग में जाकर विश्राम किया जा सके। तो अब हम कल्पना करते हैं कि शत्रु ने आक्रमण किया है, तो ये कपाट बंद कर लिए जाएंगे और मूसल या लट्ठा वहाँ उसमें लगा दिया जाएगा और उसको फिर लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद अब जो बाहर से गेट को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं शत्रु, उन पर आक्रमण करने के लिए तुरंत यहीं से सीढ़ी दे रखी है। इस मार्ग से सैनिक ऊपर जाएंगे तीव्रता से, और यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये स्थान स्थान पर ये दे रखे हैं होल्स, पर इनको ब्लॉक किया गया है। वहाँ से शत्रु आ रहे हैं तो उन पर यहाँ से प्रहार किया जा सकता है। यहाँ से जो दुर्ग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसे होता है, ये बाद में इसको रिपेयर कर के दौरान गलत तरीके से बना दिया गया, अन्यथा ये इस तरह से होता है ताकि ऊपर से नीचे की तरफ हम निशाना लगा सकें। ये सभी बंद कर दिए गए हैं। ये वाला खुला है, देखिए, यहाँ से भी शत्रु पर प्रहार किया जा सकता है। और ये जो प्राचीर बनाई जाती है ये सैनिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और यहाँ से देखिए कहाँ पर निशाना लगाया जा सकता है, सीधा वहाँ पर जो नवलखा पोल है, पहला ही जो एंट्रेंस है इसका, उस पर। ये सामने कितना मनोरम दृश्य है रणथंभौर नेशनल पार्क का। ये देखिए, यदि वो वाला गेट टूट चुका है तो यहाँ से हम हमला कर सकते हैं। ये वाला गेट अभी नहीं टूटा है, वो टूट गया तो तुरंत हम यहाँ से हमला कर सकते हैं शत्रु पर वाण वृष्टि करके। तो एक गेट के ऊपर से यहाँ से ये आक्रमण करने के लिए बनाया जाता था। समरांगण सूत्रधार के अनुसार किसी भी दुर्ग की जो प्राचीर होती है उसकी मोटाई नींव में कम से कम 9 फुट और ऊंचाई कम से कम 18 फुट होनी चाहिए। तो इसकी तो काफ़ी ऊंची है। प्राकृतिक रूप से भी ये ऐसी चट्टान के ऊपर है जहाँ पर शत्रु का पहुँचना बड़ा ही दुर्गम होता है, कठिन होता है। ये देखिए, यहाँ से भी उस गेट पे शत्रु पर प्रहार किया जा सकता है।
नवलखा पोल कहाँ पर है नवीन जी? वो सामने वो अंदर जो दिखाई दे रहा है वो, हाँ वहाँ पर। और ये वाला इधर तो एक और है, मिस हो गया। देखो सबसे पहले मिश्रधारा था, उसके बाद नवलखा, उसके बाद हाथी पोल, फिर गणेश पोल। ये हाथी पोल, ये हाथी पोल है, ये गणेश पोल है इधर, है ना? गणेश पोल, हाथी पोल, उससे पहले वो नौलखा पोल, और फिर वो बहुत पहले था, वो तो मिश्रधारा पोल।